जहां देश भर में रामचरितमानस को लेकर बहस छिड़ी हुई है, वहीं इंदौर में मात्र कुछ किलोमीटर दूर स्थित धरवरा धाम में हजारों महिलाएं अपने सर पर मानस रखकर श्री रामचरितमानस सम्मेलन एवं श्री राम कथा में पहुंची। साकेतवासी घनश्याम दास जी महाराज की 14वीं पुण्यतिथि और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पीठाधीश्वर सुखदेव दास जी महाराज के सानिध्य में शुक्रवार से धाम में मानस सम्मेलन और श्री राम कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। कथा में देश भर के मानस मर्मज्ञ अपनी वाणी से भगवान श्री राम के चरित्र का उदांत परिचय प्रस्तुत करेंगे। मानस सम्मेलन में प्रथम दिन समिति के सदस्य एवं सांसद शंकर लालवानी भी धरावरा धाम पहुँचे और यात्रा में सम्मिलित होकर वरिष्ठ गुरुजनों आचार्यों का आशीर्वाद लिया। सम्मेलन के माध्यम से देश भर में मानस मर्मज्ञ भगवान राम की महत्ता, पारिवारिक मूल्यों और आदर्श सैद्धांतिक जीवन के बारे में बताएंगे। सम्मेलन में धरावरा सहित आसपास के कई गांवों के हजार श्रद्धालु भी हिस्सा ले रहे हैं, जो 17 फरवरी से 21 फरवरी तक दोपहर 12 से 4 बजे तक 5 दिवसीय आयोजन में मिथिला पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री विष्णु देवाचार्य जी महाराज अयोध्या, डॉक्टर अरविंदाचार्य महाराज मानस मयंक, श्री देवेंद्रदास जी महाराज, श्री शिव कुमार जी शास्त्री और साध्वी श्री जया किशोरी जी उद्बोधन देगी। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज से लेकर 21 फरवरी तक रामचरित मानस सम्मेलन धरावधाम में श्री राम कथा के रूप में प्रारंभ हुआ है। हमको संतों का आशीर्वाद मिल ही रहा है। गौरी शंकर दास जी महाराज जी भी पधारे हैं और जगतगुरु रामनाथ विष्णु देवचार्य जी महाराज भी पधारे हैं, उनका भी आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। एक धर्म की गंगा वर्षों बाद इस क्षेत्र में बह रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र की जनता इसका लाभ उठाएगी। और यही नहीं, इस राम कथा के बाद भी आने वाले समय में पुण्य के अन्य कार्यक्रम इस स्थान में चलेंगे, जो कि इस पूरे क्षेत्र में सनातनी परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस पुण्य कथा का आप सब लाभ उठाएं और पुण्य अर्जित करें। जय श्री राम। मैं मान गौरी शंकर दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय श्री पंच देवानी जनी अखाड़ा, आज बड़े हर्ष की बात है कि धरावरा धाम की पावन धरा पर और परम पूज्य सुखदेव दास जी महाराज की अध्यक्षता में भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए पूज्य संतों के सानिध्य में और धरावरा धाम के सभी ट्रस्टी और सभी भक्तों के द्वारा, जैसा कि आपको विदित है कि कोरोना काल के कारण पिछले लगभग 3-4 वर्षों से मानस सम्मेलन का कार्य रुक गया था और साकेतवासी परम पूज्य श्री घनश्याम दास जी महाराज के द्वारा सन 1998 से निरंतर ये कार्य चलता रहा। पूज्य महाराज श्री का जीवन संत सेवा, अनाथ सेवा, दरिद्र नारायण सेवा और पूज्य संतों के साथ गरीब असहाय की सेवा में निरंतर उनका जीवन बीता। आज हमारे छोटे गुरु भाई पूज्य सुखदेव दास जी ने अपने गुरुदेव के आदेशा अनुसार इस रामचरितमानस सम्मेलन का जो बीड़ा उठाया है, वो
लगभग गुरुदेव भगवान के जाने के बाद में तुरंत इन्होंने प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इन वर्षों में बंद हो गई थी। इस वर्ष पूर्व वर्षों की भांति पुनः धरावरा धाम की पावन धरा पर मानस सम्मेलन का कार्य प्रारंभ हो चुका है, और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे दाहिने ओर सुखदेवदास देश भर से पूजा पधारे हुए पूज्य संत चरण अमृतमयी वाणी से सभी भक्तों को आनंदित कर रहे हैं, आह्लादित कर रहे हैं, और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि सुखदेव दास जी की आयु खूब लंबी हो, ये सतायु हो, दीर्घायु हो, और अपने गुरुदेव भगवान के पद चिन्हों पर चलते हुए अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा के नाम को सातवें आसमान पर पहुंचाएं, और जिस प्रकार से आपके पूज्य गुरुदेव भगवान साकेतवासी श्री घनश्याम दास जी महाराज को भारतवर्ष में वैष्णव संप्रदाय ही नहीं अपित खंड दर्शन समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था, आज पुनः वो समय आया है, और सुखदेव दास जी ने अपने गुरुदेव भगवान के जो छूटे हुए कार्य थे उसको आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, हम हृदय से इनका आभार व्यक्त करते हैं, और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि अपने गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलें, उनके कार्य को आगे बढ़ाएं, और अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा का नाम रोशन करें, अपने गुरुदेव का नाम रोशन करें, और ये धरावरा धाम का नाम रोशन करें, हरिधाम का नाम रोशन करें, और अपने भक्तों के हृदय में कभी मिटने न वाली जगह बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।